हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. कैसे हो आप सभी? आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे, सब बहुत ही बढ़िया होंगे. और आज है दिन फ्राइडे, और आज मुझे कहीं निकलना है, कहीं नहीं अपने ससुराल जाना है, अपने घर जाना है. और ये ब्लॉग जो है आपको, आप लोग को बहुत ही लेट मैं पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं एडिट कर पाई थी. वीडियो बन गया था लेकिन एडिट नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से जो है ना मैं नहीं अपलोड कर पाई थी. और ये सुबह का टाइम चल रहा है, तो मैं यहाँ पे, मम्मी जो है यहाँ पे सब्जी बना रही है, पनीर और आलू की सब्जी. और मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ नहा धो के कंघी करने के लिए, क्योंकि पहले प्लानिंग था कि सुबह में ही निकलना है, लेकिन भाई को काम आ गया था थोड़ा, इसी वजह से थोड़ा लेट निकले थे, मतलब आप दोपहर के बाद. तो और यहाँ पे जो है तैयारी मेरी जो है लगभग हो ही चुकी है, बस थोड़ा बहुत जो है वो मैं कर लूंगी. और सिद्धि भी रेडी हो गई है, मम्मी उसे भी रेडी कर दी है नहा धो के, वो भी तैयार है. तो पहले तो प्लानिंग तो जरूर था कि मतलब जल्दी निकलना है, बट थोड़ा लेट ही हो गया था क्योंकि 31 मार्च था, तो काम बहुत ज्यादा था. हेलो. तो अभी जस्ट नहा के आए हैं और अभी जस्ट तैयार वगैरह हुए हैं, जैसा कि आप लोग भी देख रहे थे. तो अब जा रही हूँ मैं, पूजा वगैरह करूँगी, उसके बाद जो है खाना वगैरह खाऊंगी, क्योंकि कल तो हमारा फास्टिंग था, तो इस वजह से भूख भी बहुत तेज़ लग गई है. तो इस वजह और पैकिंग वगैरह जो है, मेरा जो भी थोड़ा बहुत सामान था मैंने वो रख लिया है, वो तो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी. और फिर भी थोड़ा बहुत छूटा मोटा रह ही जाता है, बट कोई नहीं, हम लोग, मुझे ना जल्दी ही वापस आना है, मतलब ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रहना है अभी, तो इसलिए उस हिसाब से मैंने सामान थोड़ा बहुत ही रखा है. तो चलिए अब जा रहे हैं पूजा करने के लिए, और पूजा करके फिर फटाफट भोजन लूँगी मैं, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है. सब पैक वगैरह हो चुका है और अब जा रही हूँ मैं. खुद कपड़े वगैरह वगैरह जो है देख ही रहे हैं, सब कुछ तैयार हो गया है. और अब जा रही हूँ मैं कपड़े पहनने के लिए, साड़ी पहन के जाऊँगी ससुराल. तो चलते हैं फिर, फटाफट से रेडी हो जाते हैं. तो यहाँ पे मैं अपने ससुराल पहुँच गई हूँ, और डायरेक्ट मैं आप लोग को यहीं पे मिल रही हूँ. बीच में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था. एक्चुअली निकलते टाइम इतना हड़बड़ी हो गया था ना कि मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो खैर कोई नहीं. और अभी मैंने सिद्धि को चेंज वगैरह कर दी हूँ और उसे खाना वगैरह भी खिला दिया, और अब जा रही हूँ खुद भी चेंज करने के लिए सारी. तो चलिए वीडियो में देखते हैं और क्या क्या हम आप लोगों से शेयर कर पाते हैं, देखते हैं, ट्राई करेंगे बहुत कुछ शेयर करने को. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और सीधी यहाँ आते ही रोमी को देख के इतना खुश हो जाती है, डॉगी इसे बहुत पसंद, बहुत ज्यादा पसंद है. तो उसके पीछे बस दौड़ना और उसके पूंछ को पकड़ने का कोशिश बहुत ज्यादा करती है, बहुत ज्यादा उसे बहुत अच्छा लगता है उसका पूंछ. और मैं अपने आ गई हूँ किचन में अपना जो काम वगैरह करने के लिए. तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी, और आलू का भुजिया बनेगा. तो यहाँ पे मैं आटा मिला लूंगी फटाफट, और सब्जी जो था सुबह का थोड़ा बहुत था ही इसी वजह से, तो यहाँ पे मैं आटा मिला के फटाफट से रोटियाँ बना लूंगी. और सिद्धि भी जो है ना सो चुकी है, तो मैं सोची फटाफट बना ही लूँ, समेट और काम हो जाएगा. तो यहाँ पे भुजिया मेरा हो गया है और रोटी मेरी बन चुकी है, पहले ही बना ली थी रोटी. और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है हमारा. यहाँ पे हमारे घर पे काम चल रहा है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है एक साइड से. तो ये सब लोग यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा बिजी हो रही है, कितना अस्त व्यस्त है. आप लोग देख सकते हैं, जो पुराना मकान था हमारा वो टूट गया है, उसको मतलब फिर से वहां पे बन रहा है. तो ये मैं थोड़ा सा वीडियो बनाई थी, तो मैं सोची आप लोगों उसको भी, मैं आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर लूँ. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या हालत बनी हुई है. यहाँ पे भी सिद्धि का काम चालू है, यानी वो सूखा नारियल रखा हुआ था उसको सर पे लेके, मतलब क्या खेल रही है अपने तरीके से. बच्चे होते हैं ना, वो अपने तरीके से खेलना पसंद करते हैं, उसे जितना भी बताओ कि ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, ये टूट जाएगा, वो फूट जाएगा, लेकिन वो नहीं मानते हैं. कितना भी कह लो, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे, फिर वही एक्टिविटी फिर से रहेगा.
तो वो यहाँ पे देखो नारियल को लेके सर पे कैसे कर रही है। और पता है आज 31 मार्च था, मतलब आज तो 1 तारीख है, आज 1 अप्रैल है। तो 31 मार्च को मैं आई थी क्योंकि निकलने वाले थे मॉर्निंग में, क्योंकि बैंक में काम वगैरह जो था ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गया हम लोगों को। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे का ये वीडियो है, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब लोगों के लिए चाय। और ये सुबह वाली चाय है हमारी। मैं नहा धो के आ चुकी हूँ रेडी होके, और यहाँ पे रूम में बहुत सारे कपड़े वगैरह जो थे सूख गए थे। मैं तो वो मतलब कल ही रात में जो धुले हुए धुल गया था, मतलब बाबू का कपड़ा थोड़ा बहुत गंदा हो गया था तो वो धुल गया था मशीन में। तो मैं वहाँ पे मम्मी सूख के, मतलब मम्मी ला के रख देती, तो वहीं पे मैं रैक पे रख रख ले रही हूँ। तो जो काम और यहाँ पे सिद्धि जो है इसके पीछे इतना दौड़ी है बेचारा, चुपचाप आके ना रूमी यहाँ क्या बैठ गया है। और सिद्धि ऊपर चली गई क्योंकि उस मम्मी उसे लेके मतलब पकड़ के, वो रहन मतलब बिल्कुल भी इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती है, मतलब इसके पीछे दौड़ती है। और जानवर है, कब काट लेंगे, काट लेगा इसका कोई भरोसा नहीं है ना। तो मैंने सबको खाना दे दिया और मैंने खुद भी खा लिया, और बाबू को मैंने सुला दिया, यानी सिद्धि को मैं सुला दी हूँ, और अब जा रही हूँ सोने के लिए। सोची सोची आप लोगों का, मतलब आप लोगों से थोड़ा बात कर लूँ। तो यहाँ पे आते ही पता है क्या होता है ना, कि बहुत सारा कमेंट आ रहा था मुझे कि बहुत दिन हो गया दीदी, आप अपने वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो, क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो। पता है एक्चुअली क्या होता है ना, काम में बिजी हो जाओ ना, तो इसके लिए टाइम नहीं मिल पाता। और बच्चे के साथ क्या होता है ना, कि थोड़ा सा मतलब खुद भी इंसान बिजी हो जाता है, और थोड़ा सा बच्चे का इन्वायरमेंट बदलता है ना, तो वो भी थोड़ा सा चिड़चिड़ हो जाते हैं। तो इस वजह से स्टार्टिंग में तो 1-2 दिन में वो फिर ठीक हो जाता है। तो यही सब का कारण था, मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से मैं वीडियो एडिट बन जाता था लेकिन एडिट नहीं कर पाती थी, तो इसलिए लेट हो जाता था। बट कोई नहीं, अब कंटिन्यू रहेंगे, मतलब कंटिन्यू वीडियो अपलोड होगा। और सॉरी इस वजह से क्योंकि आपको आवाज मतलब रूमी का सुनाई दे रहा होगा क्योंकि डॉगी है ना। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप हमारा ये वीडियो जो है आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।